अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शर्जील अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है वो हम सबसे पहले तो एक जो बहुत मेजर अपडेट है आज के हवाले से, वो ये है कि बिटकॉइन ने जो है वो आज मैसिव मूव शो करा है। तो सबसे पहले तो हम बिटकॉइन के चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे KC 100 के चार्ट की तरफ। कल के सेशन के हवाले से जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो देखेंगे, और कल का सेशन किस तरीके से कल के सेशन में एक्टिविटी हो सकती है उसको भी थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा 4 से 5 स्क्रिप्ट का जो है वो हमने एनालिसिस करे, 4 से 5 शेयर्स का हमने एनालिसिस करे, तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी तो आप अपनी वर्किंग करके उसको जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेके जो है वो मे बी आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो वन थिंग आई श्योर यू कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट को भी हम डीपली एनालाइज करेंगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिटकॉइन में एक बुलिश रैली का आगाज हो चुका है। वो जो एक बुल रन था बिटकॉइन का, ये जो एक करेक्शन फेज था, क्या वो ओवर हो गया है और अब ऑफिशियली जो है वो इसका क्या बुल रन स्टार्ट हो चुका है, तो उसको जो है वो हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। ये बेसिकली BTC का चार्ट है। BTC के मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो BTC वाज गोइंग थ्रू अ बेयरिश फेज, बेयरिश पैच से गुजर रहा था। लोअर लोज और लोअर हाईस की फॉर्मेशन हो रही थी, फिर ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब जो है इस एरिया के करीब जो है वो इसने अपने इस मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसने अपने ट्रेंड को चेंज करा और इसका जो आपके लिए करेक्शन फेज था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे बुल रन में। सो ये इट स्टार्टेड मेकिंग हायर हाईज एंड हायर लोज, उसके बाद जो है वो ये यहाँ पे स्टक हुआ, यहाँ पे थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई, इट वेंट डाउन। तो इनिशियली देयर वाज RSI भी अगर आप देखें तो बेयरिश फेस से गुजर रहा था, उसके बाद इट डिड सम बुलिश एक्टिविटी, पर रेंज बाउंड में शिफ्ट हो गया। इस जोन के दरमियान अगर आप देखें इट डिडंट मेक एनी हायर हाईज एंड हायर लोज, ये लोअर हाईज और लोअर लोज, रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पे हो रही थी। फिर अगर आप इस ओवरऑल पैटर्न को देखें तो ये ओवरऑल पैटर्न टेक्निकल्स की लैंग्वेज में जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली रेंज बाउंड एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस वगैरह हो रही थी RSI MACD के ऊपर, तो ये वजह बनी थोड़ी बहुत करेक्शन की, नीचे की तरफ आया। यहाँ पे सपोर्ट रिसेंट लो जो इसका था, ये जो इसका हायर लो था उसके करीब इसने स्टेबिलाइज करा, इस लो को ब्रेक करके इसने अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करा। सही है, यहाँ पे इसने अपने ट्रेंड को कॉन्स्टेंट रखा। सो फ्रॉम बेयरिश ट्रेंड इट शिफ्टेड इन टू बुलिश ट्रेंड एंड देन देयर वाज रेंज बाउंड एक्टिविटी RSI के ऊपर भी, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी। सही है, और कप एंड हैंडल पैटर्न का ओवरऑल जो है वो ये कप की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही थी, उसके बाद जो है वो सिनेरियो कुछ इस तरीके से बना कि इसने यहाँ पे अपना अपने उसका जो है ब्रेकआउट दिया। बाय द वे, वी आर ऑन अ बाय इन बिटकॉइन, बाइंग पोजिशंस हमने ली थी तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले। MACD में भी क्रॉसओवर हो गया, MACD हिस्टोग्राम इज आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ, और RSI भी अब अगेन 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, व्हिच इज इंडिकेटिंग सम बुलिश एक्टिविटी इन बिटकॉइन। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी आर एंटिसिपेटिंग के बिटकॉइन का जो ये वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे खोला हुआ है, वी आर एंटिसिपेटिंग के बिटकॉइन का एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है, और बुल रन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 32,000 के लेवल्स पे स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फर्मेशंस, वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फर्मेशंस। मार्केट स्ट्रक्चर पे भी इसका बुल रन स्टार्ट हो चुका था, RSI वाज आल्सो इंडिकेटिंग सम बुलिशनेस। फिर यहाँ पे जब प्राइस एक्शन पे ब्रेकआउट हुआ, वी टुक एंट्री एंड देन इट इज गोइंग अप ऑलमोस्ट 5 से 6,000 पॉइंट्स की जो है वो इसके अंदर रैली ऑलरेडी हो चुकी है। 32,000 पे ब्रेकआउट हुआ था और ऑलमोस्ट 38,000 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो 37,000 पे ये ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ इज कि इसका ये बुल रन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये नए हाइज की तरफ जो है वो जा सकता है अपने, और वी आर एंटिसिपेटिंग कि इन केस कोई करेक्शन वगैरह भी आती है तो इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्यूमुलेट। अपने क्लाइंट्स को तो खैर हमने कॉल दी थी जब इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो वहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को जो फॉरेक्स और क्रिप्टो के क्लाइंट्स हैं उनको हमने कॉल दी थी, और इवन हमारे जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हमने चार्ट वगैरह शेयर करा था, उनको बहुत डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे इसके अंदर बाय बनी थी, हमने यहाँ पे इनको जो है वो इंडिकेट करा था, तो वी ऑल टुक बाइंग पोजिशंस इन इट। अभी भी इंटैक्ट है आपके आपके सामने ही सब। तो व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज के इसकी इसकी जो बुलिश रैली है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। ये बात सच है कि इसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस या रिट्रेसमेंट्स वगैरह आ सकती है ड्यूरिंग द ट्रेंड, बट द बुलिश रैली हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। एंड व्हाट आई एम रियली श्योर अबाउट कि ये इतनी क्लीन फॉर्मेशन के बाद इतनी बड़ी बुलिश रैली अगर इसमें बन जाती है, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेटेड रैलीज इन बिटकॉइन, क्योंकि बहुत से लोगों से ये मिस होने वाली है, बहुत से लोगों से ये ऑलरेडी मिस हो चुकी है, दे हैव मिस्ड द एंट्रीज अपॉन ब्रेकआउट, और बहुत मैसिव मूव इसने ऑलरेडी दे दी है, 5 से 6,000 डॉलर्स का।
यहाँ पे अगर आप देखें बेसिकली, तो ऑलमोस्ट हमने 24 अक्टूबर को जो है वो कॉल दी थी बीटीसी की, आज जो है वो 9 नवंबर है, और इन्वेस्टमेंट कॉल थी बेसिकली। स्पॉट में हमने कहा था कि आप इसको बाय कर लें और इन्वेस्ट कर दें इसके अंदर, क्योंकि इसकी बुलिश वाली जो है वो शुरू की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे हमने मेंशन भी करा था, टारगेट्स वगैरह मेंशन करे थे, एक्युमुलेशन जोन्स भी हमने जो है वो मेंशन वगैरह करे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऑलरेडी बहुत मैसिव मूव हमें ब्रेकआउट के बाद ही हमें एक ऑलरेडी मैसिव मूव ऑलरेडी अभी तक जो है वो नजर आ चुका है, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये बुलिश मोमेंटम जो है वो इसका कंटिन्यू रह सकता है आने वाले सेशंस के अंदर, या आने वाले महीनों के अंदर, दिनों के अंदर। द ऑफिशियल बुल रन ऑफ क्रिप्टो और बिटकॉइन हैज स्टार्टेड। जो लोग बोल रहे थे कि 2024 में स्टार्ट होने वाला है ये, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रेडिक्ट करा था कि 2024 में नहीं स्टार्ट होने वाला, वो 2023 के एंड में ही स्टार्ट हो जाएगा, एंड वी वर द फर्स्ट वन प्रॉब्ली जिन्होंने इसकी कॉल भी दी थी, और मैसिव मूव इसके अंदर जो है वो नजर आ चुका है हमें ऑलरेडी। अच्छा, बेसिकली अगर हम KC 100 के चार्ट को देखें, तो KC 100 के अंदर जो है वो हमने इनिशियली ट्यूसडे को जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन देखी थी, और उसके बाद थर्सडे वेंसडे को इसने जो है वो फिर से हमें एक बाउंस बैक दिखाया था। इसकी वजह प्रॉब्ली ये बनी थी कि इसमें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है वो ऑयल की कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट 3.5 से 4.25 डॉलर जो है वो टूट गई थी। सो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, और इसमें जो है इसकी वजह से ये वजह बनी थी बेसिकली मार्केट में जंप की। बट व्हाट इट फेल्ड टू डू इज कि इसने जो ये जो हाई लगाया था ट्यूजडे वाले दिन, ऑलमोस्ट 54,300 का, उसको ये टेक ओवर नहीं कर पाया। सो देर वॉज नो सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ हायर हाईज ऑन द इंडेक्स। तो अगर तो आने वाले सेशंस के अंदर इस एरिया को, ये अपने इन हाईज को ये क्रॉस कर लेता है, तो फर्दर ये रैली जो है हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। मेजर सपोर्ट जोन जो फिलहाल अभी लाइक कर रहा है मार्केट का, वो लाइक कर रहा है ऑलमोस्ट 52,200-53,000 के लेवल्स के करीब, जो इसका 2017 वाली रैली का हाई था जिसको इसने टेक ओवर करा था यहाँ पे। तो इन केस इफ देर इज ऑब्वियसली द रिट्रेसमेंट इज ड्यू इन द मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अगर आप RSI वगैरह देखें, तो RSI इज प्रॉब्ली द मोस्ट यूज्ड वाइडली यूज्ड मोमेंटम इंडिकेटर इन द वर्ल्ड, और RSI में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज जो आपको नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि RSI इंडेक्स इन ऑल ऑफ इट्स रैलीज, यू नो, जो पिछले कुछ टाइम से जो हम जितनी भी रैलीज देखी हैं इंडेक्स में, चाहे वो 2016 वाली रैली हो, चाहे वो 2019 वाली रैली हो, प्री कोविड रैली हो, या पोस्ट कोविड रैली हो, तमाम की तमाम रैलीज के अंदर, या ये जो पोस्ट IMF रैली थी, उसके बाद करेक्शन रिट्रेसमेंट करी थी, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया था, इन तमाम रैलीज में इंडेक्स इज नेवर ट्रेडेड अबव 90, और RSI जो है वो 90 ऑलमोस्ट वापस से आ चुका है। एंड यहाँ पे RSI के ऊपर जो है वो मेजर एक ऐसा जोन है जिसको इंडेक्स ने जो है वो क्रॉस नहीं करा है अपनी बड़ी से बड़ी रैलीज के अंदर भी। ऑल्दो अभी अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर देखें, तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया, उसके बाद ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, बट RSI में 90 इज द अपर लिमिट, 90 के ऊपर जो है वो RSI ने ट्रेड नहीं करा है। सो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है कि ऑल्दो, क्योंकि जो है वो इंडेक्स बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है, सो द करेक्शन इज ड्यू इन मार्केट, रिट्रेसमेंट इज ड्यू इन मार्केट, और कंसोलिडेशन इज ड्यू इन मार्केट। अगर तो मार्केट कंसोलिडेट भी करती है, तो RSI थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद में भी फिर इंडेक्स में ये रैली जो है हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग करेक्शन, और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल इन द मार्केट, बट व्हाट वी आर डेफिनेटली एंटिसिपेटिंग इज कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट या थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हमें होती हुई नजर आ सकती है, एंड दैट विल ऑफ कोर्स बी अ हेल्दी करेक्शन। उसके बाद फिर हमें इंडेक्स में अपसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग मार्केट के अंदर। तो फिलहाल अभी ये लगता है हमें कि जब तक मार्केट आपको राइड करा रही है, स्टॉप लॉसेस के साथ आप राइड करें, मार्केट यहाँ से 56,000 भी हो सकती है, देखें तो राइड करते रहें लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखें, द मोमेंट मार्केट पलटे आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करे आप बाहर आ जाएं। सही है, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द रैली और एट द एंड ऑफ द मूव, यू हैव टू गिव सम पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स टू द मार्केट इवेंचुअली, तो वो आपने देने हैं, वैसे आप उससे बच नहीं सकते। तो स्टॉप लॉसेस लगा के काम करें, और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जरूरी है, तो इन केस अगर आपके टारगेट्स वगैरह हिट होते हैं, ज्यादा लालच ना करें, प्रॉफिट्स वगैरह बुक करते हुए चलें। लेट्स मूव टू द स्क्रिप्ट्स। पहल को बेसिकली अगर आपको याद हो, तो पहल में हमने आपके साथ एक चार्ट शेयर करा था, और ये चार्ट बेसिकली अभी का नहीं है, ये चार्ट ऑलमोस्ट 2 महीने पुराना है, जहां पे हमने ये शेयर करा था आपके साथ कि 1.5 से 2 महीने पुराना है, जहां पे हमने आपके साथ ये शेयर करा था कि पहल में बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल हो चुका है, ये अपना बॉटम लगा चुका है, अब अप ट्रेंड की शुरुआत इसके अंदर हो गई है। सही है, ऑलमोस्ट पहल जब ट्रेड कर रहा था
9 से 11 रुपए के लेवल्स के करीब ऑलमोस्ट। और बाय द वे हमने इसकी बाय कॉल आइडेंटिफाई करी थी अपने कोर्स पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप में, जो हमारी कोर्स की कम्युनिटी है, जिसका पार्ट अब तब बनते हैं जब आप हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करा था 9 रुपए पे कि पेल को जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि इसका क्योंकि फॉलिंग वेज जो इसका था उसका ब्रेकआउट हो गया था, प्रेस रीटेस्ट हो रहा था, तो 9 साढ़े 9 पे हमने इसको आइडेंटिफाई करा था। वहां से अलहमदुल्ला इसने पलट के नहीं देखा है, ऑलमोस्ट 14.5-15 का इसने हाई लगा लिया। तो मैसिव मूव इसके अंदर जो है वो उसके आया है, उसके बाद से 6 रुपए का मूव ऑलमोस्ट आया है इसके अंदर। और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी लोअर लोअर हाईज और लोअर लोज की जो फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई है, अब हायर हाईज और हायर लोज के अंदर। सो ये इफ देयर इज एनी रिट्रेसमेंट इन द मार्केट, तो क्योंकि फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट हो चुका है, फॉलिंग वेज इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पे भी हमें रिवर्सल नजर आ रहा है। और क्योंकि अगर मैं आपको इंडिकेटर्स दिखाऊं आरएसआई वगैरह, तो आरएसआई पे भी आपको ये नजर आएगा कि देयर हैज बीन अ रेंज शिफ्ट फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू साइडवेज एंड नाउ टू एन अप ट्रेंड। सो यस, नाउ वी आर ऑफिशियली इनटू एन अप ट्रेंड इन पेल एज वेल। और मैकडी वगैरह पे भी डाइवर्जेंस वगैरह नजर आ रही थी, आरएसआई वगैरह पे भी डाइवर्जेंस नजर आ रही थी। सो नाउ व्हाट वी आर श्योर अबाउट इज कि इसका ट्रेंड रिवर्सल बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हो चुका है, और एनी डिप फ्रॉम हियर वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है वो हमें बनती हुई नजर आ सकती है। सरल को अगर आप देखें तो सरल के अंदर भी सेम फॉर्मेशन है, अपने इस फॉलिंग वेज को ब्रेक करा, उसके उसके बाद चैनल से रेजिस्ट करा, टॉप से नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट करा इसको, यहाँ पे बाय बनती थी इसके अंदर, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्ट करा था 48.50 पे, एक दफा लगाया, ये मार्केट स्ट्रक्चर पे इसके अंदर लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे थे फ्रॉम हियर। सही है, ये जो पक्का इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था ना, जो यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, अगर आप आरएसआई के ऊपर भी देखेंगे ना, तो आरएसआई के ऊपर ये डाउन ट्रेंड आपका फिर कन्वर्ट हो गया साइडवेज के अंदर। सही है, आरएसआई में भी ये साइडवेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे भी इसके अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आई। और यहाँ पे साइडवेज के अंदर जो एक काम ये कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये डबल बॉटम बना रहा था, तो 38.50 का वैसे ही बहुत अहम थ्रेशोल्ड लेवल था, और प्लस यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हो रही थी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ये लेवल भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे इसके अंदर बाय बनती थी, यहाँ पे हमने इसके अंदर कॉल आइडेंटिफाई करी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पे भी इसके अंदर हायर हाई बनने जा रहा था अब, तो मार्केट स्ट्रक्चर पे भी एक बुलिश ट्रेंड जो है वो शुरुआत हो चुकी है, प्लस डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो चुका था, प्लस फॉलिंग वेज अब प्ले में था, तो ये चैनल इसकी रेजिस्ट ये चैनल से इसको रेजिस्ट करना था, कर सकता था, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया इसने एट फर्स्ट को। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आइडियली चैनल के रिटेस्ट के ऊपर इसको लिया जा सकता है। दैट बाय द वे अब क्योंकि इसका बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल हो चुका है, तो दैट बाय द वे कैन एक्ट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। थोड़ा सा रिट्रेस करता है चैनल को, रीटेस्ट करता है, यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ से पॉसिबली आपको एक अच्छी अपसाइड जो है वो फर्दर नजर आ सकती है। या ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 50 के करीब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इनकेस अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी ये बाय नहीं है, ये तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट उसको बाय पे उसको बाय करें, ये फिलहाल अभी हमें लगता है कि रिट्रेसमेंट पे इसको ना थोड़ा बाय कर। अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो नेटसोल की है, नेटसोल फिलहाल अपने ट्राइंगल के ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो इन केस अगर यहाँ पे सस्टेन करे आता है तो फिर यहाँ से हो सकता है एक बाउंस वगैरह दिखा दे, अगर नहीं करता है तो फिर नीचे फर्दर ड्रैग कर सकता है। यहाँ पे ये भी एक बड़ी क्रूशियल सपोर्ट आ रही है अगर आप इसको देखें, तो अगर कंसोलिडेट करता है सस्टेन करता है तो सही है, अगर नहीं कर पाता तो फिर ये फर्दर आपको जो है वो ड्रैग करता हुआ नजर आ सकता है। अगर कर आता है तो फिर ये पहला आपका टारगेट होने वाला है तकरीबन 90 से 91 के करीब। आखिरी स्क्रिप्ट जो हमारी है बेसिकली वो मारी पेट्रोलियम की है, मारी पेट्रोलियम बेसिकली अपने चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, चैनल के बॉटम से इसने बाउंस बैक लिया, थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, यहाँ पे रेजिस्ट करा 16.20 पे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे फिर बाय बनी इसके अंदर, और फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और यहाँ पे जाके रेजिस्ट करा है। इन केस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अगली रेजिस्टेंस हमारी 1720 के करीब होगी, तो वहां तक ही मूव करता हुआ अल्टीमेटली हमें नजर आ सकता है। फिलहाल हमारी हमारी एंटिसिपेशन ये है कि ये अच्छी अच्छा बाउंस बैक इसके अंदर बनता था यहाँ पे, अच्छी बाय इसके अंदर बनती थी यहाँ पे, अभी थोड़ा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा रिट्रेस वगैरह करता है, ये चैनल के बॉटम पे आता है, तो वहां पे इसको बाय के लिए जो है वो देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना इसको जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।